नमस्कार दर्शक बंधु, नो द बार्स टिप्स चैनल पर आपका स्वागत है। दर्शक बंधु, मेरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल प्रेस कीजिए। दर्शक बंधु, ये बेल प्रेस करने से क्या होता है, ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आप लोगों पर चला जाता है जो मैं नया नया जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो आप लोग, उम्मीद करता हूँ जो आप लोग बेल प्रेस करके रखिएगा और जो सब्सक्राइब किए हैं उसको तहे दिल से धन्यवाद, और जो नहीं किए हैं उससे उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। दर्शक बंधु, आज जो मैं बताऊंगा वो है लव बर्ड्स का, आप ख़रीदने के बाद उसका कॉमन जो बीमारी है उससे आप कैसे आपका बर्ड को प्रोटेक्ट करेंगे, तो उसके बारे में ही हम आज बताएंगे। दर्शक बंधु, आप जब बर्ड ख़रीद के लेके आ रहे हैं, पहली तो ये देख लेना है बर्ड आपका फिट है कि नहीं है, तो उस हिसाब से आपको पहले देखना पड़ेगा। उसके बाद आप जब सब ठीक ठाक करके देख के लाए हैं घर में, तो उसके बाद आप केज में जब डालेंगे, डालने के बाद आपको लगभग 8 से 10 दिन आपको बर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा, ताकि आपका बर्ड जल्दी बीमार ना पड़ जाए। और अगर बीमार पड़ जाए तो किस तरह से उसको आप प्रोटेक्शन दोगे। और लव बर्ड्स का जो सबसे बड़ा दिक्कत वाला काम है, वो जब एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो उसको कॉमन बीमारी है उसका सुस्त होना, और दूसरी बात है उसका आई इन्फेक्शन होना। ये 2-3 बीमारी है जो उसको कहीं से भी कहीं जाए, चाहे आप अपना एक केज से दूसरा केज में लेके जाए या दूसरा जगह उसको लेके जा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है उसको जल्दी से सुस्ती में आ जाता है, मतलब उसको बीमारी लगने का सोच रहता है, और या तो ठंड लग जाता है या तो कुछ लग जाता है, जिसके कारण क्या था, आप जैसे ख़रीद के लाए हैं, आप तो जब ख़रीद के लाए हैं तो आप देखिएगा कि आप फिट फट लाए, पर उसके बाद आप जब घर में एक दिन रखेंगे, उसको रखने के बाद देखिएगा आप वो लबड़ सुस्त होकर बैठा हुआ है। इसका 2-3 कारण है, एक तो उसका मतलब एक जगह से दूसरा जगह दूसरा केज में आने के लिए उसको एडजस्ट करने के लिए तकलीफ़ होता है, और लगभग थोड़ा एडजस्ट जल्दी नहीं होता, थोड़ा एडजस्ट करने के लिए उसको टाइम लगता है, लगभग 15-20 दिन तो ऐसे ही लगता है। तो और दूसरी प्रॉब्लम क्या होता है, उसका आई इन्फेक्शन, उसको थोड़ा सा ठंड लगे या आपका केज से प्रॉब्लम है या कुछ है, किसी भी तरह से आप कहीं भी लव बर्ड को लेके जाएंगे तो वो ख़रीदने के बाद वो उसका इन्फेक्शन हो ही जाता है। मैं बहुत तरह से देखा है, मैं अपना लव बर्ड को भी देखे कि उसको मैं तो देख फिट फट देख के लाया है, लेकिन देख के लाने के बाद आप देखिएगा एक दिन ठीक ठाक रहेगा, उसके बाद से वो चुपचाप बैठा रहेगा, या तो उसका आँख देखिएगा हिलाते रहेगा, एक बार नीचे ऊपर उसका जो पर्दा है ऊपर नीचे करते रहेगा, तो इसका मतलब ये है इसका आँख का प्रॉब्लम है, और आँख से देखिएगा पानी छोड़ते रहेगा, तो ये जब पानी जब देखिएगा कि छोड़ रहा है तब आपको समझ में आना चाहिए कि यह इन्फेक्शन हो चुका है, क्योंकि या कुछ ठंड लगा है, तो ऐसा करके आपको देखना पड़ेगा। तो आप कोशिश करेंगे कि उसको जब लाएँ, लाने के बाद कम से कम 15-20 दिन उसको वॉच में रखें, क्योंकि आप जब तक वॉच में नहीं रखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, और आप जब पता नहीं चलेगा तब आपको बाद क्या आप सब सोच लिए हैं कि मैं खरीद के लेके आ गया उसके बाद मैं छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं होता है। आपको कम से कम कुछ दिन तक उसको आपका नॉलेज में रखना पड़ेगा और उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि वो आते ही बीमार में पड़ने का उम्मीद ज़्यादा रहता है। तो इसी कारण से क्या होता है, आपका बर्ड्स को कम से कम 15-20 दिन वॉच में रखिए, और उसको लाने के बाद उसका थोड़ा सा एंटीबायोटिक का कोर्स करा दीजिए, और एंटीबायोटिक का कोर्स कराइए, और आँख में जो है वो जब देखिएगा पानी छोड़ रहा है तो वो पर्दा वो आँख में गिरा रहा है, तब उसको आई इन्फेक्शन का दवाई दीजिएगा। मैंने ये आई इन्फेक्शन के बारे में आप लोग का मेरा चैनल में पहले बता चुका हूँ, अगर आप लोग जानना चाहते हैं आई इन्फेक्शन कैसे आप लोग से प्रोटेक्ट करेंगे, तो मेरा वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, चैनल में दिया हुआ है। तो ये कॉमन बीमारी है, तो एंटीबायोटिक का कोर्स कराने से क्या होता है, ये एंटीबायोटिक के बारे में मैं बता चुका हूँ, मेरा चैनल में आप लोग देख लीजिएगा। तो इससे क्या होता है, आपका बर्ड जल्दी बीमार में नहीं पड़ेगा,
और क्या होता है आई इन्फेक्शन जो इसका कॉमन जो बीमारी है, इससे मैंने जो वीडियो में दिया हुआ है आप लोग चैनल में देख लीजिएगा, तो उसमें क्या होता है इन्फेक्शन से वो प्रोटेक्ट करता है और बाल आपका हेल्दी रहता है। तो इस तरह से आप अपना जब बाल खरीद के लेके आने के बाद प्रोटेक्शन कैसे कैसे देंगे वो मैंने बोल दे रहा हूँ। तो ये अगर आप इसी तरह से आपका बाड्स को मेडिसिन और आपका वॉच करके रखेंगे तो बाड्स आपका बीमार नहीं पड़ेगा और आपका बाड हेल्दी रहेगा और उसका डेथ भी नहीं होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल प्रेस कीजिए, और आप लोगों का फ्रेंड्स को जितना ज़्यादा है शेयर कीजिए। और अगर कोई बर्ड्स का बारे में आप लोगों को कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग सब्सक्राइब कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। हाँ, अगर अच्छा लगा, बुरा लगा, जो लगा आप लोग शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। आप लोगों का ओपिनियन हम लोगों को चाहिए ताकि आप लोगों का कोई इससे जानकारी से फ़ायदा हो रहा है कि नहीं करी वो भी हम लोगों को जानना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।